हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी दोस्त सना, आज बना रही हूँ मैं कीमा रोल। अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने कीमा पुलाव में कीमा बना रखा, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। ये मेरी कीमा है जिसे मैंने बनाया है। ये 300 ग्राम कीमा है। ये नॉर्मली जैसे बनाते हैं आप कीमा, उसी तरह कीमा बनाया है मैंने। इसमें कुछ अलग कुछ नहीं किया, मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके इसे कुछ ट्विस्ट डालूँगी। इसमें ये है शेजवान का रेड चिली सॉस, जिसे मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। ये थोड़ा तीखा होता है, इसमें नमक। और इसमें मैं 2 चम्मच टमाटर सॉस डाल, टमाटर सॉस है ये, बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। इसे 2 चम्मच भर के डालेंगे हम। और कीमा हमेशा ठंडा कर लीजिएगा बनाने के बाद। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको 2-3 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। और फिर इसमें हम कुछ और सामग्री ऐड, कुछ सामग्री मैं डाल रही हूँ। धनिया पत्ता है बारीक काट के, हरी मिर्च 2-3, और एक बड़े प्याज को मैंने स्लाइस किया है, और एक टमाटर को पतला पतला स्लाइस जिसका बीज निकाल दिया है मैंने, एक बड़ा नींबू जो 2 टुकड़ों में काटा है। ये मेरे 400 ग्राम मैदा लिया है, जिसमें मैंने नमक और चीनी थोड़ा सा 1 चम्मच और दही डाल के, रिफाइंड ऑयल डाल के इसे मैंने हल्का सा गर्म पानी में इसे मिला के रख लिया था मैंने गूंद के। देखिए कितने अच्छे से, मैं 10 मिनट पहले बना के गूंद के रख लिया था इसे। अब इसे मैं कीमा रोल बनाऊँगी। और ये मेरे लोइया बना लिया है, इसे मेरे इतनी लोइया बनी। सूखे आटा में मिला के इसे हम बेलेंगे अच्छे से एकदम। सूखा आटा को इस पर डस्ट करते हुए इसे अच्छे से बड़ा सा बेल, रोटी बेल लेंगे। देखिए मैंने इसे पूरा पूरा पतला सा बेल लिया है। अब इसे देखिए इतना पतला, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसमें रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड घी जो भी आपको मन है वो आप इसमें अच्छे से लगा लीजिए। मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है, तभी ये आपके पराठा बहुत अच्छे से क्रिस्प बनेंगे। देखिए मैंने इसे लगा लिया है। अब इस पर सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे बीच से कट लगाएंगे, और इसे धीरे धीरे हाथों से इसे रोल करेंगे। ये मेरा रोल हो गया। और इस तरह से इसे रखते हुए हम इसे हाथ से दबाते हुए ऐसे प्रेस करेंगे, ये एक लोई मेरा रेडी हो गया। इस तरह करके हम सारे लोई को बना लेंगे, उसके बाद हम पराठा बना के सेकेंगे। देखिए ये मेरा पूरा बेल के पराठा तैयार है, अब हम इसे सेकेंगे। तवा मेरा गर्म हो गया है, मेरे पराठा बन के तैयार है। और गरम गरम में इसे ऐसे देखिए कितने क्रिस्प बने हैं ये मेरे पराठे। अब इसमें सॉस लगा के हम रोल रेडी करेंगे। अच्छे से इसमें फैला देंगे। ये मैंने सॉस लगा दिया, अब इस पर हम कीमा को डालेंगे। आप इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, गाजर वगैरह, बीट, जो भी है आपके मन वो डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। हरी मिर्च, धनिया पत्ता स्लाइस किए हुए, प्याज और स्लाइस किए हुए टमाटर, और इसमें डालेंगे नींबू का रस, और इसे हम रोल करेंगे। ये मेरा बन गया, अब इसे हम रोल करेंगे। ये मेरा कीमा रोल बनके रेडी है। देखिए अब ये मेरी कीमा रोल बनके तैयार है।